आज हम दोस्तों बात करेंगे यामाहा की R15 V3 वाली गाड़ी के बारे में। अगर आपको लेनी है गाड़ी 2021 में, तो आपको पता होना चाहिए क्या आपको फीचर देखने को मिलती है, कितनी वेरिएंट है, सभी की आपको कीमत क्या देखने को मिलेगी। साथ ही हम बात करेंगे 2 साल 3 साल की EMI के बारे में, तब वीडियो को लाइक करके बने रहेगा। फीचर की बात करेंगे इसमें, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है मल्टी फंक्शन LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। जैसे कि आप गाड़ी की मीटर कंसोल को देख रहे हैं, पूरी आपको डिजिटल यहाँ पर देखने को मिल जाती है। क्लॉक का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, बाकी आपको सारे इंडिकेशन भी इस वाली मीटर कंसोल में आपको देखने को मिल जाती है। गियर शिफ्ट इंडिकेटर भी आपको मिल जाती है जैसा कि आप देख रहे हैं। साथ ही आपको डुअल हॉर्न मिलता है, डुअल चैनल ABS के साथ ही गाड़ी अवेलेबल है। केवल आपको इसमें सेल्फ स्टार्ट ही देखने को मिलता है, की का कोई ऑप्शन नहीं है। साथ ही आपको मिल जाती है साइड स्टैंड इंजन कटऑफ, यानी कि अगर गाड़ी की साइड स्टैंड लगी हुई तो दोस्तों गाड़ी यहाँ पर स्टार्ट नहीं होती है, आपको स्टैंड हटाना पड़ेगा। और आपको इसमें मिल जाते हैं LED टेल लाइट और हेडलाइट। यामाहा R15 V3 की हम बात करेंगे वेरियंट के बारे में, यहां पर आपको 3 वेरिएंट इसमें देखने को मिल जाती है। पहली है R15 थंडर ग्रे, दूसरी है रेसिंग ब्लू, तीसरी है डार्क नाइट। बात करेंगे एक शोरूम कीमत के बारे में, तो आपको पड़ेगी थंडर ग्रे की नई एक शोरूम कीमत डेली के हिसाब से 1,47,900 रुपये। रेसिंग ब्लू की बात करेंगे, इसकी आपको पड़ेगी डेली में एक शोरूम कीमत 1,49,000 रुपये। फिर वहीं बात करेंगे डार्क नाइट BS6 की गाड़ी की एक शोरूम कीमत के बारे में, तो वो आपको पड़ेगी लगभग 1,50,000 रुपये तक की। कलर की बात करेंगे, 3 कलर आपको मिल जाती है। पहली आपको मिलती है डार्क नाइट, दूसरी कलर है थंडर ग्रे, तीसरी आपको मिल जाती है रेसिंग ब्लू। वेलकम, चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। इस गाड़ी में आपको मिलता है 155 cc का लिक्विड कूल का 4 स्ट्रोक का SOHC 4 वाल्व वाला इंजन। इसमें आपको मिल जाती है बोर 58 mm की, स्ट्रोक आपको मिलता है 58.7 mm की। पावर की बात करेंगे, पावर ये गाड़ी यहाँ पर जनरेट करती है 18.6 PS की 10,000 RPM पर। वहीं टॉर्क जनरेट करती है 14.1 Nm की 8,500 RPM पर। स्टार्टिंग की बात करेंगे, केवल आपको सेल्फ स्टार्ट इसमें देखने को मिल जाता है। ट्रांसमिशन आपको मिलता है कॉन्स्टेंट मैच टाइप के 6 स्पीड वाले। क्लच आपको मिल जाती है वेट मल्टीप्लेट डिस्क टाइप, जो काफ़ी स्मूथ रहती है। साथ ही आपको मिल जाते हैं फ्यूल इंजेक्शन वाले फ्यूल सिस्टम। फ्रंट सस्पेंशन की बात करेंगे, फ्रंट में आपको मिलता है टेलीस्कोपिक फॉर्क, और वही रियर में आपको मिलता है मोनो क्रॉस टाइप के। ब्रेक्स की बात करेंगे, सामने आपको मिल जाता है डिस्क ब्रेक 282 mm की, और पीछे आपको मिलती है डिस्क ब्रेक 220 mm की। फ्रंट टायर की बात करेंगे, यहाँ पे आपको 180/17 के आपको ट्यूबलेस वाले फ्रंट टायर मिल जाते हैं, पीछे आपको मिल जाते हैं 140/17 के ट्यूबलेस वाले ही। गाड़ी की लंबाई की बात करेंगे, वो है 1,990 mm की। गाड़ी की ओवरऑल चौड़ाई है 725 mm की, हाइट है 1,135 mm की। सीट हाइट की बात करेंगे, इस गाड़ी की सीट हाइट है 815 mm की। व्हील बेस से 1,325 mm की। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करेंगे, 170 mm की आपको देखने को मिल जाती है, जो काफ़ी सही है खराब रास्तों पर भी। वेट है करीबन 142 किलोग्राम, और फ्यूल टैंक आपको मिल जाती है 11 लीटर की। अगर हम बात करेंगे R15 रेसिंग ब्लू की नई कीमत के बारे में, तो इसकी आपको पड़ेगी लगभग से नई एक शोरूम कीमत 1,49,000 रुपये। RTO अमाउंट, रोड टैक्स और भी आपको अदर एक्सपेंसेस यहाँ पर देने पड़ेंगे 12,400 रुपये तक की। इस गाड़ी की आपको पड़ जाएगी इंश्योरेंस की कीमत 10,300 रुपये। ऑन रोड कीमत आपको डेली में लगभग से आपको देखने को मिलेगी रेसिंग ब्लू की 1,71,000 रुपये से लेकर 1,76,000 रुपये तक के बीच। कैश कीमत आपको लगभग इसी के बीच यहाँ पर देखने को मिलेगी, बिल्कुल कम वैरी यहाँ पर करेगी। फाइनेंस की बात कर लेंगे, अगर आप करते हैं 44,000 रुपये तक की डाउन पेमेंट, और अगर ऑन रोड कीमत रहेगी 1,71,000 रुपये, तो आपको लोन अमाउंट लेना पड़ेगा 1,27,000 रुपये का। अगर हम बात करेंगे 30 महीने की EMI के बारे में, तो 11% इंटरेस्ट के हिसाब से 30 महीने के लिए हर महीने की EMI आपको निकल कर आएगी 5,413 रुपये। हम बात करें तो टोटल कॉस्ट के बारे में, तो आपको बता दें 44,000 रुपये डाउन पेमेंट करने के बाद और 30 महीने तक हर महीने 5,000 रुपये भरने के बाद टोटल कॉस्ट आपको लगभग से पड़ जाएगी इस गाड़ी की 2,06,000 रुपये से लेकर 2,10,000 रुपये तक के बीच। और यही गाड़ी आपको कैश कीमत पर लगभग से 1,75,000 के आसपास आपको देखने को मिल रही थी। तो यही आपको अंतर देखने को मिलता है कैश कीमत और लोन कीमत पर। तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे यामाहा की R15 में आपको क्या यहाँ पर देखने को मिलती है नई कीमत, फीचर क्या है, वेरिएंट क्या है, कलर क्या है, स्पेसिफिकेशन क्या है। तो वीडियो पसंद आई है लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ऐसे ही जानकारी सभी गाड़ी के बारे में जानने के लिए आप सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, और आप कमेंट भी करिएगा कौन सी गाड़ी के बारे में आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून विथ अस।